रोमांटिक और थ्रिलर के ड्रामा विंसेंजो के पार्ट टू में हम देखते हैं विंसेंजो को एक बुरा सपना आया था और वो उठ जाता है। सुबह वो फिर से उस रेस्टोरेंट में जाता है जिसके खाने को खाके उसने कचरा बोला था। वो जान जाता है उस शेफ ने इटाली से नहीं कोरिया के एक कुकिंग एकेडमी से खाना बनाना सीखा था और उस शेफ को बोलता है अगर खाने में मज़ा नहीं आया तो सबके सामने पोल खोल दूंगा। बाद में वो आदमी खाना लेके आता है, उस खाने को खाके विंसेंजो थूक देता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में वो लॉयर यू चैन को लेके बाबल के कंपनी में जाता है और इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से मिलने की बात करता है। बाहर रिसेप्शनिस्ट उसे पूछती है क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है, तब विंसेंजो बोलता है शायद उन पे लगे मर्डर केस के बारे में सुन के उनका मन बदल जाए और वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। विंसेंजो उसे वार्निंग देता है क्योंकि उसने मिस्टर जॉय से ज़बरदस्ती फाइल साइन करवाए थे। अगली तरफ प्रोसिक्यूटर जॉय एक मीटिंग बुलाती है क्योंकि वो सीनियर लॉयर बन गई थी और वो बुसान का फेस वैल्यू बनने वाली थी। बाद में मिस होंग्स के कलीग उसे बहुत सुनाते हैं और पूछते हैं क्या आपको बुरा नहीं लग रहा। मिस होंग बोलती है तुम लोगों के बातों से मुझे ज़्यादा बुरा लग रहा है। बाद में विंसेंजो और मिस्टर यू चैन सोजू पीने जाते हैं। विंसेंजो उनसे उन लेडी के बारे में पूछते हैं, वो बोलते हैं कि उन्हें गलत मर्डर केस में फंसाया गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बुसान लॉ फर्म का मीटिंग चल रहा था और वहाँ चाईयोंग भी मौजूद थी। उनके बॉस बुंगा पैलेस को गिराने की बात कर रहे थे। होंग चाईयोंग बहुत ही टेंस्ड हो जाती है और अपने डैड के फर्म में पहुँचती है। उनसे बिल्डिंग तोड़ने की बात करने ही वाली थी पर वो तभी वहाँ से चले जाते हैं। बाद में वो विंसेंजो को बताती है कि कल रात 11 बजे बाबेलियन बिल्डिंग को तोड़ देंगे। अगले दिन सारे किरायेदारों को खबर मिलती है और वो लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं, पर विंसेंजो वहाँ बैठ के लोगों के फोटोज देख रहा था। दूसरी तरफ उन इन्वेस्टिगेटर को विंसेंजो के बारे में कुछ सुराग मिलता है। रात को होंग चाईयोंग बहुत ही परेशान हो रही थी और वो भाग के गुंगा पैलेस में पहुँचती है। वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू ही होने वाला था पर चाईयोंग वहाँ पहुँच के देखती है कि वहाँ पार्टी चल रहा था। वो बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाती है। तब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है विंसेंजो ने इटली से कुछ गेस्ट को बुलाए थे और पार्टी के सारा इंतजाम किए थे। पार्टी की वजह से कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं होता। बाद में विंसेंजो होंग चाईयोंग को सब बताता है। वो पूछती है तुम्हें यही प्लाजा क्यों चाहिए, वो बोलता है कि इस जगह से मुझे प्यार हो गया है। नेक्स्ट सीन में होंग चाईयोंग मिस चोय को उन रिसर्चर के बारे में बताती है। मिसेस चोय बोलती है अगर तुम ये केस नहीं जीत पाई तो तुम गई। अगली तरफ वो किराएदार विंसेंजो से इम्प्रेस्ड हो गए थे और उसे ट्रस्ट कर रहे थे। बाद में वो इन्वेस्टिगेटर गुंगा पैलेस में आता है और विंसेंजो से मिलता है। वो अपना आइडेंटिटी नहीं खोलता और बोलता है कि हम पार्टी में मिले थे। विंसेंजो के जाने के बाद वो रेस्टोरेंट में उन ओनर से काम करने की बात करता है। बाद में विंसेंजो यू चैन से बाबल के बारे में बताता है कि वो लोग कैसे पेन किलर बोल के मार्केट में ड्रग्स की डीलिंग करते हैं। अगर ये बंद नहीं हुआ तो सारे लोग बहुत ही जल्द ड्रग्स से अटैच्ड हो जाएंगे। विंसेंजो जब वहाँ से निकलता है तब इन्वेस्टिगेटर भी उसका पीछा करता है। उसे मॉन्क के रूम में कारपेट लगाते हुए देख के वो सोचता है अरे ये तो अच्छा आदमी है। बाद में कुछ बच्चे बाहर सिगरेट्स पी रहे थे, उनको विंसेंजो मार के भगा देता है। वो भी वो इन्वेस्टिगेटर देखता है, वो सोचता है माफिया तो भला काम भी कर रहा है, मुझे अपने सोच पे शर्म आनी चाहिए। अगली तरफ चाईयोंग और जोंग एक केमिस्ट के पास जाते हैं। चाईयोंग रोने की एक्टिंग करती है और उस केमिस्ट को पैसे दिखा के बोलती है अगर यहाँ वो रिसर्चर आया तो वो उन्हें इन्फॉर्म करे। तभी वो केमिस्ट पुलिस को कॉल करने की बात करता है और वो लोग चले जाते हैं। बाहर जोंग उसे उसके डैड के पास जाने के लिए बोलती है पर वो नहीं मानती। अगली तरफ यू चैन उस रिसर्चर के पास जाता है और पूछता है क्या ऐसा भी कुछ सच है जो बाबल सबसे छुपा रहे हैं। तब रिसर्चर बोलता है ये पेन किलर नार्कोटिक पेन किलर है जिससे लोगों की जान चली जाती है। बाद में यू चैन विंसेंजो को उन लेडी से मिलने के लिए हॉस्पिटल ले जाता है। वो लेडी उनसे पूछती है ये कौन है, तब यू चैन बोलता है ये भी लॉयर है, मुझे एक केस में हेल्प कर रहा है। विंसेंजो फिर वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे बुरा लग रहा था। अगली तरफ चाईयोंग ऑफिस की पार्टी में जाती है। मिस सोय सबसे अपना टैलेंट दिखाने के लिए बोलते हैं, एक एक करके सारे टैलेंट दिखाते हैं। बाद में मिसेस जॉय होंग चाईयोंग से उसका टैलेंट दिखाने के लिए बोलती है। वो बोलती है वो किसी की नकल करके दिखाएगी और वो मिसेस जॉय की
जुम्बा डांस की नकल करने लगती है। मिसेस जोय बात में हंसती है। दूसरी तरफ विंसेंजो बाबेलियंस के डेवलपमेंट टीम के चेयरमैन को जब वो मिलते हैं तो विंसेंजो उससे बोलता है, गंगा पैलेस को 2 महीने तक टूटना नहीं चाहिए और उस प्लाजा को उसके आदमी ही तोड़ेंगे। जब वो मना करते हैं तो विंसेंजो उसे कुछ फाइल्स देते हैं जिसमें उन लोगों ने रिश्वत दिया था और उसके पर्सनल फोटोज दिखाता है। बाद में उन्हें मानना पड़ता है। दूसरी तरफ मिसेस जॉय पार्टी खत्म होने के बाद होंग जायोंग को थ्रेट देती है। दूसरी तरफ होंग जायोंग पार्टी खत्म होने के बाद अपने डैड के ऑफिस में पहुंचती है। तब मिस्टर यू चैन उसे ड्रग्स डीलिंग के बारे में बताता है। वो बिलीव नहीं करती। उसे लगता है विंसेंजो उन्हें ये सब समझा रहे हैं। बाहर जाके वो विंसेंजो को भी थ्रेट देती है और वहाँ से चली जाती है। अगली तरफ बाबल ग्रुप के चेयरमैन किसी से बात कर रहे थे। फोन वाला इंसान उसे बहुत डांटता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर यू चैन और विंसेंजो ड्रिंक कर रहे थे। विंसेंजो उन्हें उस लेडी के बारे में पूछता है। तब यू चैन बोलता है, अगर इतना ही फिकर है तो खुद अपनी माँ से क्यों नहीं पूछ लेते। विंसेंजो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उनको ये सब कैसे पता। तभी वो बताते हैं उसकी मॉम के ट्रायल रूम में उन्होंने विंसेंजो को देखा था, तभी उनको पता चल गया था। अगली तरफ एक आदमी को दिखाया जाता है जिसने बाइबल ग्रुप के एक बंगले में घुस के गैस की पाइपलाइन काट दिया था। वो वहाँ टाइमर लगा के चला जाता है। जब टाइम खत्म हो जाता है तब सब कुछ फूट जाता है और आग लग जाता है। सुबह ये खबर जानने के बाद यू चैन और विंसेंजो वहाँ पहुँचते हैं। अगली तरफ जोंग चाहियोंग को बाइबल को रिप्रेजेंट करने को छोड़ देने के लिए बोलता है पर वो नहीं मानती। स्पॉट पे पहुँचने के बाद विंसेंजो और यू चैन को वहाँ के लोग अंदर जाने नहीं दे रहे थे। विंसेंजो मिस्टर यू चैन को वहाँ से निकलता है और उन्हें भी केस छोड़ने की बात बोलता है पर वो नहीं मानते क्योंकि वो गलत के खिलाफ लड़ना चाहते थे। दूसरी तरफ मिसेस चोय और मिस्टर हैंग बाइबल ग्रुप के चेयरमैन से मिलने के लिए जाते हैं। चेयरमैन उनसे रिसर्चर्स के बारे में पूछते हैं। तब वो लोग बोलते हैं कि हम जल्दी ही उसे ढूंढ लेंगे। बाद में जब चेयरमैन वहाँ से चला जाता है तब वो लोग डिस्कस करते हैं बाइबल ग्रुप के मालिक इतना घोचू तो नहीं हो सकता, इसके पीछे किसी और का हाथ है। तभी मिसेस चॉय को एक कॉल आता है और जिसमें पता चलता है कि वो रिसर्चर्स मिल गया है, लेकिन वो रिसर्चर पहले से ही यू चैन से मिला हुआ है। विंसेंजो उन किरायेदारों को दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट करने की बात करता है। सब लोग बहुत ही डिस्कस करने के बाद मान जाते हैं। दूसरी तरफ यू चैन को रिसर्चर का कॉल आता है और वो गवाही देने के लिए राजी हो जाता है। मिस्टर यू चैन बहुत ही खुश होता है और विंसेंजो को लंच करने के लिए बोलता है। तभी वहाँ चायोंग आती है और उसके डैड को ब्लेम करती है क्योंकि उसके डैड की वजह से वो ये केस नहीं लड़ पा रही थी और अपने मॉम के मरने के लिए उनको ही जिम्मेदार ठहराते हैं। वो वहाँ से चली जाती है। बाहर वो एक कन्वीनियंस स्टोर में खाना खा रही थी। तभी वहाँ विंसेंजो आता है, उसे पानी खरीद दे के बोलता है, तुम अच्छी लॉयर से ज़्यादा एक बुरी हुई लड़की हो और ऐसा कुछ मत करो जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े। मिस्टर यूचैन और विंसेंजो एक रेस्टोरेंट में जा रहे थे, इसलिए विंसेंजो होंग चायोंग को भी इनवाइट करती है उनके साथ जाने के लिए। दूसरी तरफ उस रिसर्चर को बाइबल के लोग झांसे से पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो खिड़की से निकल जाता है और एक जगह पे जाके छुपने की कोशिश करता है। मिस्टर यूचैन को बहुत ही कॉल करता है पर वो नहीं उठाते क्योंकि वो नहीं देख रहे थे। विंसेंजो और मिस्टर चोय उस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। तभी वहाँ अचानक एक गाड़ी आ जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।